बिहार आईटीआई वाले जितने भी छात्र हैं आपको यहाँ से पढ़ सकते हैं, काउंसलिंग से पहले इन 10 बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। काउंसलिंग से अभी आपका क्या हुआ है, एग्जाम हो गया, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट आने के बाद फ्रेंड्स कुछ दिन बाद जो है आपका काउंसलिंग जो है स्टार्ट हो जाता है। तो काउंसलिंग के समय आपको कौन कौन से बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सा गलती नहीं करना है, किन बातों का आपको विशेष ध्यान देना है, आज की इस वीडियो में आपको फ्रेंड 10 बात आपको बताने वाले हैं। वीडियो छोड़कर मत जाइएगा फ्रेंड्स, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आईटीआई से संबंधित किसी भी जानकारी को आप पाना चाहते हैं तो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को तैयार रखना है, ठीक है। जब आप काउंसलिंग करवाने जाएंगे समय काउंसलिंग करवाइएगा फ्रेंड्स, उस समय जो आपका ईमेल आईडी और जो है मोबाइल नंबर आपको लेकर जाना है, ठीक है। और वैसा ईमेल आईडी ले जाएगा फ्रेंड्स जिसे आप यूज करते हैं, जिसे आप चलाते हैं, और वैसा मोबाइल नंबर जिसे आप जो है हमेशा यूज करते हैं क्योंकि उस पर जो है सारा अपडेट आएगा आपका, ठीक है। तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको तैयार रखना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। काउंसलिंग के समय सब जो है विशेष ध्यान देना है। अभी अगला पॉइंट है पासवर्ड को लिख कर रख लेना है। देखिए जब आप फ्रेंड्स काउंसलिंग करेंगे तो वहां पे आपका पासवर्ड जनरेट करने का ऑप्शन आएगा, मतलब पासवर्ड बनाया जाता है, ठीक है। तो उस पासवर्ड को आपको विशेष ध्यान देना है, अगर आप भूल जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा फ्रेंड्स, शायद आपका एडमिशन भी नहीं हो पाएगा। इसलिए जो पासवर्ड आप बनाएंगे उस पासवर्ड को जो है आपको लिख कर रख लेना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हुआ, तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि रैंक कार्ड डाउनलोड करके रख लेना। रैंक कार्ड कहने का मतलब फ्रेंड्स आपका जो रिजल्ट आएगा, जो आपका रिजल्ट आएगा फ्रेंड्स वो जो है रैंक कार्ड के रूप में ही आएगा, रैंक कार्ड, ठीक है, रैंक कार्ड के रूप में आएगा। तो उसको जो है डाउनलोड करके रख लेना है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अपना रिजल्ट देख लिया रैंक कार्ड उसके बाद डाउनलोड नहीं करते हैं और बाद में जो है वेबसाइट जो है शायद स्लो कम अगर करने लगेगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए रैंक कार्ड को आपको डाउनलोड करके रख लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ट्रेड चुनने से पहले ध्यान रखना है, ठीक है। आप अगर किसी भी ट्रेड को चुन रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि जो हम ट्रेड चुन रहे हैं तो उसके आगे चलकर जो अगर कोई बच्चे जो सरकारी नौकरी करना चाहता है, ठीक है, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो उनके अनुसार कौन सा ट्रेड बेहतर होगा। अगर कोई बच्चा आईटीआई करने के बाद जो है प्राइवेट कोई अगर जॉब करना चाहते हैं तो उस जो ट्रेड लेंगे तो उस ट्रेड का कितना आगे जो फ्यूचर है, ठीक है, प्राइवेट में उसका जॉब मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अब जब आप काउंसलिंग करेंगे उस समय जो आपको ट्रेड चुनना चुनते समय जो आपको विशेष इसी चीज़ का आपको ध्यान देना है, ठीक है। ट्रेड कौन सा बेहतर है इस पर भी एक अलग से वीडियो बना देंगे। सबसे अच्छा ट्रेड अभी आपका फ्रेंड्स इलेक्ट्रीशियन होता है, फीटर होता है, इसी डीजल मैकेनिक होता है फ्रेंड्स, ये सब जो है टॉप में चल रहा है, ठीक है। इसीलिए आगे बढ़ते हैं, पांचवा नंबर है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांच को चुनना है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा एडमिशन सिर्फ इलेक्ट्रीशियन में ही हो, फ्यूचर में ही हो या फिर डीजल मैकेनिक में हो तो आपको जो है आप भर सकते हैं, जो आप चाहते हैं वो भर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरा एडमिशन किसी भी ट्रेड से हो जाए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड को, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांच को आपको चुनकर रखना है ताकि आपका एडमिशन की संभावना ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे आपको हमेशा बताते रहेंगे, वीडियो देख देकर फ्रेंड्स आपको मोटिवेट करते रहेंगे, आपको हर जानकारी देते रहेंगे, ठीक है, टेंशन लेने का बात नहीं है। छठा नंबर क्वेश्चन है कि चॉइस स्लिप डाउनलोड करके रखना है। चॉइस स्लिप होता है, ठीक है, अभी आपको पता नहीं होगा कि चॉइस स्लिप क्या होता है, लेकिन जो है आपको एक चॉइस स्लिप मिलेगा, उसको जो आपको डाउनलोड कर लेना है, उसको आपको अच्छे से रख लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चॉइस फिल करने से पहले कॉलेज और ब्रांच को लिख कर रख लेना है। देखिए क्या होता है, आप जो है काउंसलिंग करवाने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको चॉइस पूछेगा कि आप किस कॉलेज में अपना जो है आप पढ़ना चाहते हैं और किस ब्रांच से आप पढ़ना चाहते हैं, किस ट्रेड से आप पढ़ना चाहते हैं। तो उस कॉलेज का नाम एक साइड लिख लीजिए और उसका जो है यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कोई गया में कोई पढ़ना चाहता होगा फ्रेंड्स, गया का कोई कॉलेज होगा तो कॉलेज का नाम इधर लिख लीजिएगा आप, और जिस ट्रेड से जैसे कोई इलेक्ट्रीशियन लेना चाहते हैं आप इलेक्ट्रीशियन लिख दीजिए, फीटर लिख दीजिए, ठीक है। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स आपको काउंसलिंग करने से पहले क्या क्या लिख कर रख लेना है, कॉलेज का नाम लिख कर रख लीजिएगा फ्रेंड्स, उसके अनुसार जो है आपको क्या बोलते हैं उसको ब्रांच भी लिख कर रख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आठवां डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखिए। अगला वीडियो इसी पे आने वाला है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है, ठीक है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है, इस पे एक जो है वीडियो बहुत जल्द आने वाला है काउंसलिंग के समय, अभी से बनवाने के लिए जो फ्रेंड्स लग जाएगा डॉक्यूमेंट्स अपना, ठीक है। अंतिम तिथि से पहले चॉइस को फिल कर देना है। जब आपका जो काउंसलिंग होगा फ्रेंड्स उस समय चॉइस मतलब आप किस में जो है पढ़ना चाहते हैं, किस कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, किस ट्रेड से पढ़ना चाहते हैं, उसी को आपको चॉइस को भरने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो अंतिम समय से पहले आपको चॉइस को भर देना है। अगला है दसवां पॉइंट, चैनल को सब्सक्राइब कर अपडेटेड रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो भी अपडेट आता है फ्रेंड्स उसको आप वीडियो को देखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर किसी तरह का क्वेश्चन हो फ्रेंड्स तो आप कमेंट कर दीजिए, उस पर जो है 100% उसका सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।